एक पैन में राई के तेल को गरम करें और इसमें सूखे मसालों का मिश्रण डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें और एक मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लें। ये सूखे मसालों का मिश्रण किस तरह से बनाना है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ें। अब इसमें भिगाई हुई चने की दाल डालें और दो मिनट के लिए भून लें। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची और आलू डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे ढककर 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने दें। अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें मटर और कटी हुई पत्ता गोभी डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे ढककर 15 से 18 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। इसे बीच में अच्छी तरह से मिला लें ताकि पत्ता गोभी जले नहीं। अब इसमें ताजा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह से मिला लें। गर्मा गर्म पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी परोसने के लिए तैयार है।